देखने को मिल रही है और जनप्रतिनिधियों में यह होड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। 18 सितंबर को अमित शाह का जबलपुर का दौरा होगा, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। और वहीं कांग्रेस भी बलिदान दिवस पर आपको बता दें कि कई बड़े आयोजन कर रही है। दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया शामिल होंगे इन आयोजनों में, बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रही हूँ। दूसरी ओर आपको बता दें कि कांग्रेस के कई आदिवासी नेता जो हैं वो भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, बड़ी जानकारी, अहम जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है। तो बलिदान दिवस पर आमने सामने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस होगी। 18 सितंबर को अमित शाह का जबलपुर का दौरा होगा और कांग्रेस भी बलिदान दिवस पर बड़ा कार्यक्रम आयोजन कर रही है, बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रही है। दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया जो है कार्यक्रम में शामिल होंगे, बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है जबलपुर से, जहां पर बलिदान दिवस का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। दोनों ही पार्टी आमने सामने है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। दोनों पार्टियों में बलिदान दिवस का श्रेय लेने की होड़ जो है मची हुई है और दोनों ही पार्टियां श्रेय लेना चाहती हैं और आम जनता के बीच में अपनी पैठ बनाना चाहती है, अपनी पकड़ बनाना चाहती है। तो ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जो खींचतान, राजनीतिक खींचतान, जनप्रतिनिधियों के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। बलिदान दिवस पर श्रेय लेने की होड़ जो है वो दोनों ही पार्टियों में इस वक्त साफ तौर में देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से यहाँ पर दोनों ही पार्टियों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों के तमाम बड़े नेता जो हैं वो कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि दोनों ही पार्टियां बलिदान दिवस पर श्रेय जो है वो लेना चाहती है और श्रेय लेने की होड़ दोनों ही पार्टियों में बची हुई है। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और देश गृह मंत्री अमित शाह जो है वो 18 सितंबर को जबलपुर पर रहेंगे, उनका दौरा रहेगा, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से भी कई बड़े कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए गए हैं इस दौरान, और इन कार्यक्रमों में कांग्रेस के कई बड़े नेता, कई आदिवासी नेता जो हैं वो शामिल होंगे, उनकी शिरकत होगी। कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया जो हैं वो शामिल होंगे इन कार्यक्रमों में। इसी बीच हमारे सहयोगी राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और राजेश, अगर बात बलिदान दिवस को लेकर करें तो किस तरीके से बलिदान दिवस पर दोनों ही पार्टियों की ओर से, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से श्रेय लेने की होड़ जो है वो दिख रही है। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से 18 तारीख को बलिदान दिवस है शंकर शाह रघुनाथ शाह का, और दोनों ही पार्टी के बड़े आयोजन जो है वो जबलपुर में है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, कई कार्यक्रमों का आयोजन उस दौरान है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी अपने कई आयोजन उस दिन रखे हुए, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया समेत कई आदिवासी नेता पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आमने सामने होंगे, प्रशासन के लिए भी मुश्किल खड़ी होंगी, लेकिन जिस तरीके से आयोजन है, बड़ा आयोजन बीजेपी का है, सभा को भी संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, इसके अलावा कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और बड़ा आदिवासी सम्मेलन कहीं ना कहीं उस दौरान होगा। कांग्रेस भी जो है अपना बड़ा आयोजन कर रही है, इसके साथ ही बीजेपी ने 7-4 दिन के आयोजनों का सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा, क्योंकि शंकर शाह रघुनाथ शाह की गिरफ्तारी का दिन जो है वो 14 सितंबर था और 18 सितंबर को उनका बलिदान दिवस है। तो 4 दिवसीय बड़े आयोजन हैं और जब 18 तारीख को आयोजन होंगे तो बीजेपी के बड़े आयोजन उस दौरान होंगे। कांग्रेस भी जो है वो तमाम तरीके के आयोजन उस दौरान करेगी। अब बड़ा लिए तमाम जानकारियों के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।